सब दलों की बैठक हो रही है, क्या निर्णय लिया गया? देखिए बाप दलों की कई बैठक हुई है, आज भी बैठक हो रही है। पहला हम लोग का निर्णय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको शिकस्त देना चाहिए, उससे हराना चाहिए। और हमारे हम लोग की कुछ वाम दल का एक मत है कि हम लोग को भाजपा को हराने के लिए हर तरह के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वह किसान विरोधी है, जन विरोधी है, देश भी सुरक्षित नहीं क्या। दूसरी बात हम लोगों ने तय किया है कि वाम दल एक दूसरे दल के खिलाफ में कोई भी उम्मीदवार नहीं देगा। हम लोग आपस में लाल झंडा के लोग नहीं टकराएंगे। तीसरी बात हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने है कि जो महागठबंधन बना है उसको लेफ्ट को भी अपने विश्वास में लेना चाहिए, वाम दलों को भी विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि वाम दल अलग लड़ेगा, वो दूसरे तो अलग लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा होगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए हमारा हम लोगों ने पहले से ही तय किया है, कहा भी है कि इसको एक करना चाहिए। जहाँ तक सीपीआई की बात, तो हमने कहा है कि अगर एक सीट गठबंधन से मिलता है तो हजारीबाग हम लड़ेंगे, वैसे भी हजारीबाग लड़ेंगे, नहीं भी गठबंधन देगा तो भी हजारीबाग लड़ने का तय किया है। और चूंकि उस पर हमारा दावा है, दो बार हमने 1984 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग में हारी है तो दो बार सीपीआई के द्वारा ही हारी। हालांकि उसमें वाम दल और दूसरे दलों का भी सहयोग रहा है। 1991 में कांग्रेस का सहयोग नहीं था, स्वर्गीय उसमें ज्ञानरंजन जी उम्मीदवार थे तब भी हम जीते थे, 2004 में जसवंत बाबू को हरा के जीते। इसलिए हमारा दावा बनता है सीट उस पर, इसलिए एक सीट मांगने। अगर वो सीट नहीं देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग का फैसला है कि कुछ और सीटों पर लड़ेंगे। जब उनका घोषणा हो जाएगा उनके बाद उन सीटों की घोषणा करेंगे। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, आज के बैठक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर हो गया कि आप लोग जितने भी वाम दल है सब मिलकर लड़ेंगे और हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल और कौन से सीट उठा कर ये क्लियर हो गया था। ये क्लियर हो चुका, क्लियर तो है, सब आप लोग सब पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, क्लियर है। चार लड़ेंगे, चार चार पांच पलामू लड़ेंगे। मैंने अपने पार्टी के बारे में पलामू भी लड़ेंगे, अभी माले के सेक्रेटरी ने कहा है। और बाकी से जो सीपीआई कौन कौन सीट लड़ेगी अगर गठबंधन नहीं होगा तो बाद में हम तय करेंगे और उसको आप लोग को जानकारी देंगे उसमें। लेकिन कहीं भी ये टकराव वाम दल से नहीं होगा।